Hello to all. Welcome to Kailasha Foundation. My name is Rahul. Today we'll be studying about business and commercial knowledge. So we'll discuss chapter 4, that is government policies for business growth. Okay. Before we begin, I'd like to say it's a very easy chapter. Bahut aasan hai. Aap samajh jaoge easily. I don't know students ने specifically इस chapter के लिए ही क्यों demand की video के लिए but okay it's fine we'll do it for you and बहुत easy है आपको लगेगा आपने ये सब पढ़ रखा है ठीक है जैसे let's discuss like the learning outcomes तो we have to study the influence of government policies of business government की policies पे business पे क्या effect होता है ठीक है and कैसे सारी चीज़ें रेगुलेट होती हैं फैसिलिटेट होती हैं या गवर्नमेंट कैसे रेस्ट्रिक्ट करती है अपने पॉलिसी से मेजर बिजनेस स्कीम्स एंड समथिंग ठीक है उसके बाद बिफोर एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस एक्चुअली मेनली आफ्टर इंडिपेंडेंस हम लोग डिस्कस करेंगे पोस्ट इंडिपेंडेंट पॉलिसीज ओके एंड देन कंसेप्ट ऑफ लिबरलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन Obviously LPG इन्होंने LGP लिख दिया है कोई बात नहीं LPG तो LPG हमने सबने पढ़ा है liberalization, privatization and globalization जब new economic policy आई थी तो इनके ये तीनों reforms के वजह से काफ़ी कुछ changes आए थे Indian economy में जिससे business में काफ़ी changes आए थे business world में and this led to इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड एवरीथिंग ओके तो डिस्कस करेंगे हम लोग ये भी ठीक है कैसे पॉलिसीज लिबरलाइज हुई फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आने लगे इंपोर्ट एक्सपोर्ट आसान हो गया कैसे हर जगह पहले सिर्फ गवर्नमेंट थी फिर प्राइवेट प्लेयर्स भी मार्केट में एंटर किए उसके बाद कैसे पूरे का पूरा इकॉनमी एंड बिजनेस ग्लोबल हो गया ग्लोबली अवेलेबल हो गया मतलब कि देर वॉज नो जोग्राफिकल बाउंड्रीज नाउ ठीक है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करेंगे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करेंगे बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे चलिए तो विल टॉक अबाउट चैप्टर ओवरव्यू ओवर हियर सो इंडियन पब्लिक पॉलिसीज के बारे में बात करें तो डिवाइड किया गया इनको इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड अगेन LPG एंड पॉलिसी आउटकम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इकोनॉमिक ग्रोथ इन सब चीज़ों पे एक फ्लो चार्ट बनाया गया है यहाँ पे नाउ विल स्टार्ट द चैप्टर तो इसमें काफ़ी एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल दिया आपकी बुक में सो जैसे कि रमन एक बंदा था देयर वाज अ गाय रमन सो ही वाज अ कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट एंड ही डेवलप्ड अ ऐप बेस्ड सोल्यूशन फॉर ब्लाइंड स्टूडेंट्स ठीक है एक ऐप बेस्ड ऐप बेस्ड एप्लीकेशन इन्होंने मतलब बनाया था स्टार्टअप टाइप का वेयर ही हेल्प द ब्लाइंड स्टूडेंट्स ठीक है एंड ही हैड अ फ्रेंड हु वाज अ सीए रैंक होल्डर हिज नेम वाज अली तो अली हैड मतलब कि अली को तीन बड़े ऑडिट फर्म से मतलब तीन ऑफर्स थे ठीक है बड़े ऑडिट फर्म से और एक कंसल्टिंग कंपनी से तो अब आगे क्या हुआ कि रमन अंडरस्टैंड्स टेक्नोलॉजी बट उसको फाइनेंस लॉ गवर्नमेंट पॉलिसीज के बारे में नहीं पता है बिकॉज ही इज अ साइंस गाय इज अ टेक गाय राइट एंड ऑन द अदर हैंड अली हैड नो एक्सपोजर टू टेक्नोलॉजी बिकॉज ही इज अ कॉमर्स पर्सन ठीक है सो ही रियली अंडरस्टैंड द पेटेंट लॉ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ GST फॉर्मेलिटीज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड अदर गवर्नमेंट इशू लाइक ऑल द कॉर्पोरेट गवर्नमेंट गवर्नेंस इशूज ओके सो अली जो है रमन का इनोवेशन वो उसको लगता है काफ़ी फीजिबल है एंड काफ़ी अच्छा आइडिया है तो दे फॉर्म अ टीम टुगेदर फॉर अरेंजिंग फंड्स फ्रॉम वेंचर कैपिटलिस्ट यहाँ पे वेंचर कैपिटलिस्ट को अंडरलाइन करेंगे आपके लिए ये एक नया टर्म है मे बी कुछ लोग जानते भी हों सो मैं बता देता हूँ वेंचर कैपिटलिस्ट लाइक स्मॉल देयर लाइक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट फर्म जो आपको अर्ली स्टेजेस ऑफ बिजनेस में हेल्प करते हैं बाय फंडिंग योर प्रोजेक्ट
ठीक है, दीज आर बिग नेटवर्थ पीपल जो दूसरों के आइडियाज में इन्वेस्ट करते हैं एंड दे टेक सम यू नो इक्विटी शेयर्स आपकी कंपनी में, ओनरशिप आपके कंपनी में लेते हैं एंड दे फंड योर प्रोजेक्ट व्हेन यू आर इन अ वेरी अर्ली स्टेज ऑफ योर प्रोजेक्ट. लाइक आप जीरो स्टेज पे हैं, आपने बस स्क्रैच से बिजनेस स्टार्ट किया, यू हैव द आइडिया. सो मेनी पीपल गो टू पिच देयर आइडियाज टू दीज वेंचर कैपिटलिस्ट. सो दीज वीसी फर्म्स व्हाट दे डू, दे लिसन टू योर आइडिया एंड इफ दे फाइंड इट फीजिबल दे हेल्प यू इन सेटिंग अप योर बिजनेस एंड एवरीथिंग फ्रॉम द स्क्रैच. दे आर प्रोवाइडिंग यू ऑल द फंड बिकॉज फंड्स इज द बेसिक प्रॉब्लम व्हेन यू वेरी स्टार्ट अ न्यू बिजनेस. The first thing that comes into your mind is पैसा कहाँ से आएगा. ठीक है, so these venture capitalist firms helps you to arrange funds and they fund your project. Okay, so we'll study now. तो यहाँ पे एक पैराग्राफ और देखिए. तो they say कि legal processes, tax policies, business restriction and financial reporting of any nation फॉलोज फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिसीज. मतलब सारे जितने भी हमारे पास यहाँ पे टैक्स पॉलिसीज, बिजनेस रिस्ट्रिक्शन है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है किसी भी नेशन के, वो गवर्नमेंट पॉलिसीज फॉलो करते हैं. एंड नेचुरली जो गवर्नमेंट पॉलिसीज है आपके आर साइन कॉन फॉर ऑल द स्फीयर्स ऑफ द इकॉनमी. दिस वर्ड साइन कॉन मीन्स द गवर्नमेंट पॉलिसीज आर वेरी मच एसेंशियल बोले या इंडिस्पेंसिबल बोले. ठीक है, दीज आर वेरी एसेंशियल एंड इंडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ द इकॉनमी. ठीक है, सिर्फ स्टार्टअप्स ही नहीं, नॉट ओनली द स्टार्टअप डेवलप बाय यंग एंटरप्रेन्योर्स लाइक रमन एंड अली, बिग कंपनी ऑल्सो फेस अ नंबर ऑफ पॉलिसीज इशूड बाय द स्टेट. ओके, सो सिर्फ स्टार्टअप्स ही नहीं, बड़े कंपनीज जो पहले से एग्जिस्ट करते हैं दे ऑल्सो फॉलो द पॉलिसीज इशूड बाय द स्टेट. ओके, सो नेक्स्ट पैराग्राफ में आपके एग्जाम्पल दिया हुआ है. जैसे कि बांग्लादेश में दे हैव अ पॉलिसी कि आप सेकेंड हैंड फॉरेन कार्स को इम्पोर्ट कर सकते हैं एंड उसको सेल कर सकते हैं मार्केट में. तो जैसे कि बांग्लादेश में टोयोटा इस पॉलिसी को बहुत ज़्यादा दे यूज दिस पॉलिसी, बहुत ज़्यादा वो लोग एक्सप्लॉइट करते हैं इस पॉलिसी को. दे वॉन्ट डू कि उस बाईबैक स्कीम से यूज कार्स को परचेज कर लेते हैं एंड देन दे रिफर्बिश एंड उसको अच्छे से बिल्कुल नया जैसा बना करके ढाका मार्केट में सेल कर देते हैं. ऑन द अदर हैंड इंडिया में एज अ गवर्नमेंट पॉलिसी फॉरेन कार को आप इम्पोर्ट करके सेल नहीं कर सकते हैं. इंडिया में अगर आपको इम्पोर्टेड कार सेल करनी है तो यू हैव टू एटलीस्ट फॉर्म अ होली ओन्ड सब्सिडियरी एंड या तो फिर आपको एक जॉइंट वेंचर का पार्ट बनना पड़ेगा, जैसे टोयोटा इंडिया में किर्लोस्कर मोटर्स के साथ जॉइंट वेंचर है. ओके, सो दिस व्हाट बेसिकली दे आर सेइंग कि हर नेशन अपने आप को अपने गवर्नेंस एंड मोड्स ऑफ या नंबर्स ऑफ पॉलिसीज के थ्रू रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, एंड दीज पॉलिसीज मतलब कि इनको हम लोग पब्लिक पॉलिसीज बोलते हैं. ठीक है, एंड जो जो आपका पब्लिक पॉलिसी है आर मतलब कि आर एज ओल्ड एज गवर्नमेंट. जितनी गवर्नमेंट पुरानी होगी उतनी पुरानी पब्लिक पॉलिसीज होती हैं. ठीक है, ऑल्सो लाइक धीरे धीरे जब आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब एंड हुआ तो ट्रांसनेशनल इंटरनेशनल कंपनीज जो हैं आपकी इवॉल्व होने लगी एंड दे स्टार्टेड वर्किंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. बट एट द वेरी एंड एट द वेरी टाइम दे यूज टू फॉलो द पब्लिक पॉलिसीज ऑफ दोज नेशन वेयर फ्रॉम दे ऑपरेट. मतलब जहाँ से ऑपरेट करेंगे वहाँ के पब्लिक पॉलिसीज आपको अपनाने पड़ेंगे. ये तो सिंपल सा रूल है, आपको ही पता है. आप जहाँ जाओगे जिस नेशन में होंगे आप तो आपको वहीं के रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड बायलॉज फॉलो करने पड़ेंगे. ओके, सो इफ वी गो थ्रू द ह्यूमन रिसोर्स चैलेंजेस ऑफ द हैवी व्हीकल मैन्युफैक्चरर वॉल्वो. ओके, तो यहाँ पे मैं आपका इनका एग्जाम्पल देता हूँ कि वॉल्वो के पास जो है अप्रॉक्सीमेटली 95,000 एम्प्लॉयज हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड. ओके, सो व्हाट दे डू, दे ट्राई टू टीच एंड ट्रीट एवरीवन इक्वली विथ रिस्पेक्ट. तो बट क्या है कि आप जैसे जैसे नेशन चेंज होता है, जैसे जैसे आप आगे जाते हो या पीछे आते हो, तो हर स्टेट या हर नेशन में
जेंडर इक्वालिटी, जेंडर आइडेंटिटी या एथनिक ओरिजिन जैसे बहुत सारी चीज़ें जो हैं डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट से देखी जाती हैं। ठीक है, सो कंपनी के पास यही चैलेंज होता है, वो कैसे जेंडर इक्वालिटी को या जेंडर आइडेंटिटी को कैसे फॉस्टर करेंगे एंड हाउ दे अलाइन देयर कॉर्पोरेट पॉलिसीज एंड सेट देम अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट पॉलिसीज फॉर एवरीथिंग टू रन स्मूथली। ओके, सो मतलब कि ऑन कंक्लूडिंग नोट ये बोला जाता है कि कंपनी कभी कभी अपनी सर्टेन इंटीरियर पॉलिसीज बनाती है जो सिर्फ कंपनी के, जिसको हम लोग बोलते हैं कंपनीज कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है, एंड विच आउटलाइन विद द मिनिमम एक्सपेक्टेशन फॉर द एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज के एक्सपेक्टेशन को वो आउटलाइन करती है एंड दे एंड द कॉर्पोरेट हाउसेज अलाउ अलाइन देयर कॉर्पोरेट पॉलिसीज अकॉर्डिंग टू द सेट गवर्नमेंट पॉलिसीज ऑफ दोज होस्ट नेशन। ओके, तो बेसिकली ये कहना चाहते हैं कि पॉलिसीज जो है आपकी दे हेल्प इन रनिंग द कंपनी स्मूथली, चाहे वो कॉर्पोरेट हाउसेज हों जो अपनी पॉलिसीज को अलाइन करते हैं बिजनेस गवर्नमेंट पॉलिसीज के साथ, और चाहे चाहे गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज इंट्रोड्यूस करके या बोले जाए इम्पोज करके जैसे इकोनॉमी को रन करती है, बिकॉज ऑब्वियसली पॉलिसीज आर नीडेड फॉर एवरी वन टू फॉस्टर, एंड एज वी रेड हियर अर्लियर पॉलिसीज आर द एसेंशियल एंड इंडिस्पेंसेबल पार्ट फॉर ऑल स्फेयर्स ऑफ द इकोनॉमी। ओके फाइन, सो यहाँ पे पॉलिसी फ्रेमवर्क इन इंडिया हिस्टोरिकल स्केच, मतलब एक हिस्टोरिकल स्केच आपको बता रहे हैं कि कैसे पॉलिसी इंडिया में पहले थी। बहुत पहले से पॉलिसीज तो चलते आ रही, जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे ही वॉज अ ग्रेट इंटेलेक्चुअल गुरु ऑफ द एम्परर चाणक्य, तो ही स्टेटेड द पब्लिक ही स्टेटेड पब्लिक पॉलिसीज ऑफ द स्टेट। ठीक है, एंड देन आपको देन आपके ग्रीक सिटी सिटी और रोमन एम्पायर था जो वहाँ पे पब्लिक पॉलिसीज चलती थी, स्टेट एंड सेंटर ऑफ नेशन की जो अट्रैक्शन, मतलब जो आपके सेंटर ऑफ अट्रैक्शन था कंपनी का। ऑल्सो चंद्रगुप्त मौर्य गेव अ बुक कॉल्ड अर्थशास्त्र जिसमें आपका स्टेट क्राफ्ट एंड पॉलिसी, बेसिकली आई डोंट गेस आई डोंट थिंक कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इम्पोर्टेंट है, दिस इज जस्ट ए हिस्टोरिकल स्केच। ठीक है, देन अशोकन आपको पीस एंड हारमोनी का पॉलिसी दिया था, और जब गुप्ता आपके आए थे पॉलिसीज डिफाइन किए थे उन्होंने, तो टैक्सेस एंड ट्रेड के बारे में डिफाइन किया था, दिल्ली सल्तनत में अलाउद्दीन खिलजी जो थे उन्होंने स्ट्रिंजेंट टैक्स रिफॉर्म्स एंड अकबर के टाइम पे लैंड रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस हुए थे। तो बेसिकली दे आर सेइंग हियर कि कैसे पॉलिसीज हिस्टोरिकली चेंज हुई, एंड उसके बाद 1947 में जब इंडिया ऑब्टेंड इट्स अटेंड इट्स फ्रीडम, तो वहाँ पे राइट्स हुए, फेमीन्स हुए, जैसे बहुत फेमस है बंगाल फेमीन। ठीक है, देवर इंटरफेयर लाइक बहुत सारे डेवलपमेंट चेंजेस चैलेंजेस को इंडिया वाज फेसिंग, तो स्ट्रॉन्ग पॉलिसी चाहिए थी मल्टी बिकॉज वहाँ पे आपके इतने सारे प्रिंसली स्टेट्स थे और इंडस्ट्रीज बहुत कम थी, फूड ग्रेन्स नहीं थे ताकि ह्यूज पॉपुलेशन को फीड कर सकें, ना हमारे पास प्रॉपर बैंकिंग सिस्टम था। इंडिया वॉज मतलब कि बहुत ही क्या बोलते हैं, बहुत ही ऑन द वर्ज ऑफ स्ट्रॉन्ग पॉलिसी डिसीजंस। तो एंड ऑल्सो देयर वाज अ टाइम कि इंडिया डिडंट हैड इनफ मनी टू पे फॉर इट्स इम्पोर्ट ड्यूटीज, उसके बाद तो ग्लोबल पॉलिसीज आपके ग्लोबल इकोनॉमी से इंडिया ने कुछ आपके क्या बोलते हैं आपके पॉलिसीज को कुछ पॉलिसीज रिफॉर्म किए ग्लोबल ग्लोबल आपके इकोनॉमीज को देख करके, जैसे यूएस एंड यूरोपियन कंट्रीज लाइक आपके जर्मनी फ्रांस स्विट्जरलैंड डेनमार्क ऑल्सो जापान फ्रॉम द एशियन रीजन। ओके, तो जैसे जैसे आपकी इकोनॉमीज इमर्ज होती गई, जैसे स्पेशली आपका जो ब्रिक्स नेशन थे, जैसे कि ब्रिक्स नेशन होते हैं ब्राजील रशिया इंडिया चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ओके, जिनको हम लोग कॉमनली ब्रिक्स नेशन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो थे पॉलिसी काफ़ी डिस्टिंक्ट थी, और चाइना एंड नॉर्थ कोरिया जैसे स्टेट्स में अभी उस समय आपके सोशलिस्ट इकोनॉमी चल रही थी, तो डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसीज थे उस समय हर कंट्री के इकोनॉमी में अकॉर्डिंग टू द नीड्स। नाउ दैट इंडिया का
डिमांड चेंज हो गया इंडिया का से नीड्स चेंज हो गया, सो इंडिया वाज स्पेशली कंसंट्रेटिंग ऑन द मोनोमेंटल एफर्ट्स चेंजिंग इन द पोस्ट इंडिपेंडेंट पॉलिसीज. ठीक है, दीज एफर्ट्स आर कॉमनली रेफर टू एज द लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन पॉलिसीज. इनको हम लोग मिला के नई इकोनॉमिक पॉलिसीज भी बोलते हैं. सो ये जनरली एक ब्रीफ आइडिया लिबरलाइजेशन में क्या हुआ था. लिबरलाइजेशन में आपकी पॉलिसीज को लिबरल कर दिया गया था, आसान कर दिया गया था, सिंप्लीफाई कर दिया गया था. ठीक है, आपका गवर्नमेंट का कमांड एंड कंट्रोल इन ओवर सर्टेन इकोनॉमिक पॉलिसीज उसको काफी लिबरलाइज कर दिया गया, जैसे कि टैक्स स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई किया गया था, कोटाज बार्स एंड इकोनॉमिक रेस्ट्रिक्शन हटा दिया गया था. किससे? ऑब्वियसली इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से. ओके, प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन बहुत लेमन टर्म में आपको मैं बताऊं तो प्राइवेटाइजेशन होता है डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट शेयर्स इन एनी इंडस्ट्री. मतलब कि गवर्नमेंट जब अपना शेयर या अपना इंटरेस्ट या अपना स्टेक सेल ऑफ कर देती है किसी प्राइवेट प्लेयर को सर्टेन इंडस्ट्री का, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन. जैसे कि आपका आज के डेट में बहुत सारे सेक्टर्स में प्राइवेटाइजेशन आ गया, ओनली दो तीन आपके जो सेक्टर्स हैं जहाँ पे गवर्नमेंट अभी भी है, जैसे कि रेलवेज है आपकी और डिफेंस, ऑब्वियसली वो नेशनल सिक्योरिटी का मामला है. सो बहुत कम चीज़ें हैं जो अभी आपकी गवर्नमेंट के अंदर हैं, पहले बहुत कम चीज़ें थी जो प्राइवेट सेक्टर के अंदर थे. ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या करती है अपना ट्रांसफर, गवर्नमेंट क्या करती है ट्रांसफर ऑफ गवर्नमेंट ओनरशिप टू प्राइवेट हैंड, वो प्राइवेट प्लेयर्स को मार्केट में अपना ओनरशिप ट्रांसफर कर देती है. ठीक है, जैसे कि आपका BSNL वॉज टेकन बाई टाटा टेलीकॉम. ठीक है, एंड ऑल्सो जैसे कि मेजोरिटी शेयर्स इन हैंड ऑफ ओजीएस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. सो जैसे आप बता रहे हैं, जैसे आपके इंश्योरेंस सेक्टर काफ़ी प्राइवेटाइज हो गया है, नए नए प्राइवेट बैंक एंड इंश्योरेंस कंपनीज आ रही हैं, बैंकिंग सेक्टर प्राइवेटाइज हो गया है. ठीक है, सिमिलरली ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन क्या था तो इट वॉज रिफर्ड एज टेकिंग ऑफ रिस्ट्रिक्शन फ्रॉम एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट. ठीक है, मतलब कि ट्रेड बैरियर्स बेसिकली वहाँ पे लिफ्ट कर दिए गए थे. यहाँ पे लिबरलाइजेशन में भी ट्रेड बैरियर्स आपके लिफ्ट कर दिए गए थे, बट द थिंग वाज कि लिबरलाइजेशन पॉलिसी लिबरलाइज हुई थी, मतलब कि उनको कम किया गया था, कोटास को रिड्यूस किया गया था, कोटास को कम किया गया था. ठीक है, इकोनॉमिक रेस्ट्रिक्शंस हटाए गए थे, बट स्टिल वहाँ पे हमारे पास ग्लोबल जो प्लेयर्स थे वो एंटर नहीं कर रहे थे. इससे हमने फिर ग्लोबलाइजेशन लेके आए ताकि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स को फ्री ट्रेड कर सके. बेसिकली ग्लोबलाइजेशन वाज ऑल अबाउट फ्री ट्रेड. ठीक है, तो ये आपका LPG था. ओके, सो यहाँ पे वी विल स्टडीइंग मीनिंग ऑफ पॉलिसीज. पॉलिसीज का मीनिंग समझाया एक एग्जांपल से. दे आर सेइंग दैट रेनू जो है विजिट करती है नेशनल लाइब्रेरी and frequently she orders a plate of vegetarian thali which is offered to her at rupees 30 a plate. Okay, and the example says that the same thali is available in the nearby railway canteen at rupees 45. theek hai, and the same similar food available hai bigger restaurant mein at 210 rupees. So this is how they're explaining ki how Indian government or any government treats or regulates its policies to control business. ठीक है, government जो है libraries को या आपके railway stations को control करती है by price fixation or by asking them to charge a reasonable price. ठीक है, however restaurant जो है city में उनको उनके ऊपर कोई ऐसा legal imposition नहीं है कि आप इतना ही price charge कर सकते हैं. ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिसीज गवर्नमेंट रेगुलेट करती है एज पर द नीड्स. ठीक है, सो उसके बाद ये सारे आपके रीडिंग के लिए हैं. कुछ इसमें इंपॉर्टेंट अगर हो या मैं मिस कर जाऊँ तो ज़रूर कमेंट्स में पूछ लीजिए. अगेन बोला जाता है व्हेन इंडिया वॉज इन ब्रिटिश, मतलब जब ब्रिटिश कॉलोनी थे हम लोग, तब फ्रीडम थोड़ा आपका कॉन्स्पिशियस था और टैक्स रूल काफ़ी स्ट्रिंजेंट थे जब इंडियन ट्रेडर्स के लिए. जब डेमोक्रेसी आई तो पॉलिसीज थोड़े लिबरलाइज हो गई. इंडियन डेमोक्रेसी जब आपका में आपके सेवरल पॉलिटिकल पार्टी हैं जो आपके लिए आर्ग्यू करते हैं पार्लियामेंट में, एंड स्टेट एंड सेंटर जो आपका पॉलिसी को शेयर करता है एंड पीपल के ग्रीवेंसेस को हेयर करता है. ठीक है, देन वी से कि डेविड ईस्टन जो थे उन्होंने प्रोपाउंड किया था एक अनदर पॉलिटिक
पॉलिटिक्स पॉलिसी रिलेशनशिप विच इज नोन एज द फीडबैक और द ब्लैक बॉक्स मॉडल. अब ये ब्लैक बॉक्स मॉडल क्या है, जनरली इट इज अ मार्केटिंग टर्म, मार्केटिंग मैनेजमेंट वाले इसको काफी अच्छे से जानते होंगे, फिर भी बताता हूँ. जनरली बोला जाता है कि देर आर सम फैक्टर्स इन रिलेशन टू एनी यू से इन रिलेशन टू एनी डिटर्मिनेंट और एनी थिंग इन द सोसाइटी. से आप अगर बिजनेस की बात करें तो कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो बिजनेस कंट्रोल नहीं कर सकता है. सिमिलरली कुछ ऐसे बिजनेस के या गवर्नमेंट के फैक्टर्स हैं जो गवर्नमेंट सोसाइटी के फैक्टर्स हैं जो गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर सकती. जनरली यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, द मॉडल आइडेंटिफाइज दैट देयर आर मेनी सोसाइटल डिमांड्स व्हिच आर नॉट इंक्लूडेड इन द डिसीजंस ऑफ द पॉलिसीज डिजाइन बाय स्टेट. मतलब गवर्नमेंट स्टेट या सेंट्रल जो आपकी पॉलिसीज डिजाइन करती हैं, देयर आर मेनी सोसाइटल डिमांड जो इंक्लूड नहीं हो पाती हैं. ठीक है, तो इसीलिए गवर्नमेंट ट्राइज टू लुक फॉर सम डिफरेंट एवेन्यूज या सब्स्टिट्यूट्स. ठीक है, टू लुक फॉर अ फीडबैक प्रोसेस टुवर्ड्स दिस पब्लिक पॉलिसी एंड दीज आर नोन एज द पॉलिसी रिफॉर्म्स. ठीक है, दीज प्रोसेसेस टू लुक बैक आफ्टर द सोसाइटल डिमांड्स विच आर नॉट इंक्लूडेड इन द डिसीजन एंड द पॉलिसी इज डिजाइन बाय द स्टेट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट. दीज प्रोसेस आर नोन एज द पॉलिसी रिफॉर्म्स एंड एवरी टाइम गवर्नमेंट लुक्स फॉर दीज एवेन्यूज that so that it may it can fill up the gap between the societal demand that are not fulfilled in the central and state government policies. Okay, frequently bataya gaya hai ki aisa black box model aaya tha when several experiment kiya gaya tha tax ke sath, jaise ki aapka jo indirect tax regime change ho gaya tha and introduction of GST aaya tha with effect from 1st of July. ठीक है, एंड अर्लियर आपका जो ओल्ड एज कंपनी एक्ट 1956 था उसको रिप्लेस कर गया था न्यू एक्ट 2013 में. ठीक है, तो दिस इज हाउ दे आर सेइंग कि हाउ पॉलिसीज कीप ऑन चेंजिंग अकॉर्डिंग टू द सोसाइटल डिमांड्स एंड चेंज इन द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ डिफरेंट प्रोस्पेक्ट्स ऑफ द इकोनॉमी एंड द पीपल देयर इन. ओके, अब जो बोल रहे हैं पब्लिक पॉलिसीज के बारे में कुछ एग्जांपल दिए, जैसे कि रोहित जो है दिल्ली में फायर क्रैकर सेल करते हैं तो उनको लोकल पुलिस ने फाइन किया था फॉर सेलिंग क्रैकर्स विद एन एक्सपायर्ड ट्रेड लाइसेंस. अब यहाँ से ये बता रहे हैं कि सिंपल से पब्लिक पॉलिसी बता रहे हैं, इफ यू वॉन्ट टू सेल क्रैकर्स यू नीड टू हैव अ ट्रेड लाइसेंस. ओके, नेक्स्ट थिंग इज दैट कि सुखबीर जो है एम्प्लॉयड है 34 फुल टाइम वर्कर्स इन हिज गैराज. तो उन्होंने 34 वर्कर्स को एम्प्लॉय किया अपने गैराज में. ठीक है, एंड ही वाज एडवाइज्ड बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट टू पे प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन फॉर ऑल ऑफ देम. तो ये भी एक गवर्नमेंट पॉलिसी है कि आपके आपके पास अगर एम्प्लॉयज हैं फुल टाइम के लिए सर्टेन नंबर से ज़्यादा तो आपको सबको प्रोविडेंट फंड कॉन्ट्रीब्यूशन देना चाहिए. ठीक है, अगेन अनदर पर्सन रंगा वॉज नॉट अलाउड टू एंटर कुवैत बाई इमिग्रेशन ऑफिसर एज ही हैड सेवरल वीजा स्टैम्पिंग इन टेल अवीव एयरपोर्ट इन इज़राइल. तो दे आर सेइंग कि उसमें उसके पासपोर्ट में कुछ इश्यूज थे तो उनको इमिग्रेशन पे रोक लिया गया था. सिमिलरली भरत जो है, भरत वाज इम्प्रिजन्ड फॉर 3 डेज इन सिंगापुर एज ही वायलेटेड द ट्रैफिक लॉज. अब यहाँ पे देखिए पॉलिसी जो है यहाँ पे चेंज हो रही हैं, जैसे बता रहे हैं कि आपने दूसरे आप जब नेशन में गए तो वहाँ की पॉलिसीज अलग थी. तो भरत जो है वहाँ के ट्रैफिक रूल्स में भी शायद नहीं जानते थे, वहाँ के पब्लिक पॉलिसी रूल्स नहीं जानते थे एंड ही वॉज इम्प्रिजन फॉर 3 डेज. और जैसे कि जनरली अगर हम बात करें तो इंडिया में अगर ट्रैफिक रूल्स आप फॉलो ना करो तो आपसे आपके ऊपर जनरली देयर इज अ फाइन, देयर इज अ पेनाल्टी एंड बहुत रेयर केस में आपके पास इम्प्रिजनमेंट का ऑप्शन होता का चांस होता है. सो दिस इज हाउ पब्लिक पॉलिसीज चेंज व्हेन यू मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. कोक वॉज ड्रिवन आउट ऑफ इंडिया 1977 एज देन द रूलिंग पार्टी स्ट्रॉन्ग बिलीवर ऑफ स्वदेशी. जब 1977 में स्वदेशी जो आपकी पॉलिटिकल पार्टी थी इट वाज मोर ऑफ लाइक सेल्फ रिलायंट और वो लोग इंडियन गुड्स पे ज़्यादा बिलीव करते थे. सो दे ड्रू कोक आउट ऑफ इंडिया. ठीक है, तो व्हाट दे आर सेइंग इज दैट फ्रॉम दीज एग्जांपल वी अंडरस्टैंड दैट द पब्लिक पॉलिसी जो है आपका इज गाइडेड बाई सोशल कल्चरल रिलीजियस एंड पोलिटिकल फैक्टर्स. ठीक है, 1990s में कोक केम बैक टू इंडिया. ठीक है, और इंडिया में स्मॉल फाइन जैसे कि मैंने बोला यहाँ पे भी लिखा हुआ है स्मॉल फाइन इज देयर फॉर ट्रैफिक वायलेशंस बट सिंगापुर में ट्रैफिक वायलेशन इज टेकन एज अ मेजर ऑफेंस. वहाँ पे आपको इंप्रिजनमेंट हो जाता है. ठीक है, एंड ड्यू टू पॉलिटिकल डिफरेंसेस विद इजराइल, इजराइल के साथ पॉलिटिकल डिफरेंस था तो इमिग्रेशन ऑफर ने मेनी इन मेनी अरब नेशन डिक्लाइन द एंट्री फॉरन विजिटर हैविंग
मल्टीपल वीजा स्टैम्पिंग ऑफ देयर पासपोर्ट, मतलब कि किसके पासपोर्ट पे मल्टीपल वीजा स्टैम्पिंग्स होते हैं, तो दे कीप दे स्टॉप यू फॉर ऑन इमिग्रेशन, ठीक है, एंड लाइक लाइसेंसेज एंड प्रोविडेंट फंड्स इशूज आर टेकन सीरियसली इन इंडिया. इंडिया में लाइसेंस और प्रोविडेंट फंड के इशूज सीरियसली लिए जाते हैं. तो वट दे आर सेइंग इज कि डिफरेंट डिफरेंट जगह पे डिफरेंट डिफरेंट पब्लिक पॉलिसीज होती हैं गाइडेड बाय देयर उनके सोशल और कल्चरल और रिलीजियस या फिर अदर पॉलिटिकल फैक्टर्स को देख करके पॉलिसीज बनाया जाता है एंड पीपल आर गाइडेड बाय दोज पॉलिसीज, ठीक है. सो ऑल्सो दे आर सेइंग कि ये जो पॉलिसीज हैं आपके दे आर डाइवर्स इंटेंस नहीं, दे आर नॉट ओनली डाइवर्स. जैसे कि FDA पॉलिसी अगर हम इंडिया गवर्नमेंट की बात करें तो इंडियन गवर्नमेंट डिराइव्स इट ऑरिजिन फ्रॉम द कंट्रीज इकोनॉमिक स्टैंड पॉइंट, वेयर एज रेस्पेक्ट ऑफ रेस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन इज मोर कल्चर फैब्रिक इंडस्ट्री इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. अच्छा, इसका मैं आपको बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल बताता हूँ, ठीक है, जहाँ पे FDI को इंडिया ने प्रमोट किया है, बट वेर एज उन्होंने सेम एट द सेम टाइम रिलीजन जो है रिलीजन को काफ़ी इम्पोर्टेंस दी, रिलीजन एंड कल्चरल फैक्टर्स को काफ़ी इम्पोर्टेंस दी है. ओके, सो द एग्जाम्पल जो है आपका जो है, आप सब ने मैकडोनल्ड्स का नाम सुना होगा ऑब्वियसली. तो बहुत पहले मैकडोनल्ड्स जब इंडिया में आया था, सो तो दे वर यूजिंग टैलो. आपको अगर टैलो नहीं पता है क्या होता है तो मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट. दे वर यूजिंग मैकडोनल्ड्स वॉज यूजिंग टैलो, ठीक है. तो टैलो क्या होता है, टैलो जो है ऑयल होता है, एनिमल फैट से बना होता है. ये ऑयल जो है आपके एनिमल फैट से बना होता है, ठीक है. जनरली आपको बोलते हैं जो जो आपका बीफ ऑयल जिसको हम लोग बोलते हैं बीफ या फिर मटन, ठीक है. तो जनरली मोस्टली बीफ हो जाता है जो कि काउ मीट होता है, ठीक है. तो बोला जाता है कि दीज ये जो ऑयल था आपके बीफ ऑयल था टैलो एंड मैकडोनल्ड्स उसको यूज करता था बिकॉज दे वर नॉट अवेयर अबाउट द हिंदू पॉलिसीज की हिंदू प्रेज काउ, ठीक है. तो उनको ये पता नहीं था. तो सिमिलरली तो गवर्नमेंट ने FDA ला करके एंटर तो करने दिया मैकडोनल्ड्स को, बट व्हेन दे रियलाइज कि इट इज ब्रीचिंग सम ऑफ द यू नो रिलीजियस फैक्टर्स एंड कल्चरल फैक्टर्स, तो दे आस्क्ड देम टू ईदर स्टॉप यूजिंग टैलो, ठीक है, और मूव आउट ऑफ इंडिया, ठीक है. एंड देन इसीलिए आप जब मैकडोनल्ड्स में जाओगे तो आपको जनरली इंडियन स्टोर्स में आप जाओगे तो आपको से नॉन वेजिटेरियन के नाम पे चिकन फिश या मोर देन दैट मटन मिलेगा, आपको बीफ नहीं मिलेगा. जबकि आप बाहर जाते हो फॉरेन कंट्रीज में तो आपको बीफ पॉक और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीट मिल जाते हैं. तो दिस से इसकी पॉलिसीज जो हैं आपकी डिफरेंट स्टेट के कल्चरल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है एंड रिलीजियस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. इसलिए दे वर लाइक कि ओके गवर्नमेंट आपने उन्होंने बोला आप मैकडोनल्ड्स में आपने आप आए हो बट यू हैव टू फॉलो आवर पॉलिसी, वी डोंट एंटरटेन यूजिंग टैलो ऑयल. ओके, सो दिस वाज इट. एंड सो इसीलिए यहाँ पे देखो बोला गया है कि द पॉलिसी कीप स्पेशल कंपार्टमेंट फॉर लेट. हाँ, जैसे कि आपका लोकल ट्रेन्स हो या रेलवेज हो या इवन मेट्रोपॉलिटन सिटीज में मेट्रोज के बारे में बात करें तो गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बनाई है, दे हैव स्पेशल कंपार्टमेंट फॉर लेडीज जिसमें सिर्फ लेडीज ट्रैवल करती हैं. No men are allowed to enter those compartments. Either they will be fined or in prison. Okay. So, this is something like place to place differ hota hai. Theek hai? It may not happen ki foreign countries mein ladies ke liye special compartment diya gaya. Theek hai? So, aisa hota hai. Different different jagah pe different different policies hoti hai. Depending upon the social and cultural perspectives. Okay. नीचे यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट आपके ऑथर्स फिलोसफर्स के अप्रोच दिए हुए हैं. जैसे थॉमस आर डाई बोलते हैं कि पब्लिक पॉलिसी जो है इज वट एवर गवर्नमेंट चूजेज और चूजेज टू डू और नॉट टू डू. ऑन द सेम हैंड रिचर्ड रोज जो है बोलते हैं पब्लिक पॉलिसी इज नॉट अ डिसीजन, इट इज द कोर्स और पैटर्न ऑफ एक्टिविटी. ठीक है, सो वही बता रहे हैं कि इंडिया इज अ प्लूरलिस्टिक सोसाइटी एंड देर आर मेनी ओपिनियंस. ठीक है, सो वी हैव अ वेरी कॉम्प्लेक्स लीगल सिस्टम वेर इज दुबई में लॉज स्ट्रिंजेंट बट वेरी सिंपल. लॉज थोड़े स्ट्रिक्ट हैं बट बहुत ही सिंपल हैं. ठीक है, एंड यहाँ पे भी एक और आपके ओपिनियन दिया गया, इनकार जे फ्रेडरिश ओपिनियन, पब्लिक पॉलिसी इज प्रपोज कोर्स ऑफ एक्शन ऑफ अ पर्सन ग्रुप और गवर्नमेंट
within a given environment, providing opportunities and obstacles which the policy was proposed to utilize and overcome in effort to reach the goal, objective of the purpose. मतलब overall ये कहना चाह रहे हैं कि government जो आपकी policies जो हैं, these are courses of action, ठीक है, किसी person के हों या किसी group पे के हों या किसी government को हैं, जो कि आपके provide की जाती हैं, जो कि आपकी impose की जाती है within a given environment में, ठीक है, to provide opportunities and objective to realize the purpose. ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं आपकी आपके रीडिंग के लिए हैं. यहाँ पे मैं नेचर ऑफ पब्लिक पॉलिसीज आपको बता दूंगा कि पब्लिक पॉलिसीज हमेशा गोल ओरिएंटेड होते हैं. ऑब्वियसली जो भी पब्लिक पॉलिसीज इम्पोज किया जाते हैं उनका एक गोल होता है, उनके पीछे एक रीज़न होता है कि वो इम्पोज किया गया. GST के पीछे एक रीज़न था कि वन नेशन वन टैक्स करना चाहते थे, इनडायरेक्ट टैक्सेस को सिंप्लीफाई करना चाहते थे. जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की हमेशा बहस होती रहती थी कौन 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 सा टैक्स लेगा, इसके ऊपर GST लाया गया. ठीक है, सिमिलरली पब्लिक पॉलिसी जो है आपके रिप्रेजेंट करते हैं आउटकम ऑफ गवर्नमेंट्स कलेक्टिव एक्शन. ठीक है, गवर्नमेंट के एक्शंस को का आउटकम होते हैं. ऑब्वियसली जो गवर्नमेंट ऑफिशियल होते हैं या जो जो आपकी गवर्नमेंट होती है, ठीक है, वो अपने डिसीजंस लेती है और उसके उसी का आउटकम बन के एक पब्लिक पॉलिसी आती है. ठीक है, उसके बाद आपका है द पब्लिक पॉलिसी. हाँ, इट कैन टेक अ वैरायटी ऑफ फॉर्म्स लाइक लॉ, ऑर्डिनेंसेस, कोर्ट डिसीजन, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स एंड डिसीजन. मतलब कि आपके पब्लिक पॉलिसीज सिर्फ गवर्नमेंट नहीं लेकर आती है, कभी एक तरह का अगर गवर्नमेंट लाती है तो लॉ बन जाता है और कोर्ट के डिसीजंस आ जाते हैं या एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स आ जाते हैं. जो कभी कभी स्पेशली पब्लिक पॉलिसी आ जाती है किसी पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर और वो इमीडिएटली फॉलो होने लगती हैं. ठीक है, कोर्ट ने कुछ स्टेटमेंट दे दिया, जैसे सिमिलरली आपका अभी सेक्शन 377 का डिसीजन कोर्ट ने दिया है. ठीक है, सेक्शन 377 का डिसीजन कोर्ट ने दिया है. बहुत दिन से इस पे देवर डिस्कशिंग कि आपके जो कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्शन 377 आप कॉन्स्टिट्यूशन में बोलते हैं, ठीक है, कि ये क्रिमिनल एक्टिविटी है और गवर्नमेंट बोलती आप सॉरी आपका जो इंडियन पिनल कोड है वो बोलता है कि ये क्रिमिनल एक्टिविटी है, बट सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं, इट इज़ वायलेटिंग द आपके बोलते हैं प्रोविजन्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, तो वी कैन नॉट वायलेट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ प्रोविजन टू मेंटेन सच लॉ. इससे उसके कुछ पार्ट को हमने डीक्रिमिनलाइज कर दिया और एक होलिस्टिक अप्रोच दिया है गवर्नमेंट ने. ठीक है, सो एंड कीपिंग एवरीवन इक्वल, सबको इक्वल मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने नया एक ऑर्डिनेंस एक ऑर्डर पास कर दिया कि सेक्शन 377 को डीक्रिमिनलाइज कर दिया जाए. ठीक है, तो वही यहाँ पे आपका बोला गया कि इट कैन टेक अ वैरायटी ऑफ फॉर्म्स. ठीक है, नेक्स्ट है आपका पब्लिक पॉलिसी इज पॉजिटिव इन द सेंस दैट इट डिपिक्ट्स अ कंसर्न ऑफ द गवर्नमेंट. ऑब्वियसली सेम अगर हम बात करें अगेन 377 की, तो गवर्नमेंट का एक कंसर्न था कि लोगों के राइट्स वायलेट ना हो, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस वायलेट ना हो, इस वजह से तो पब्लिक पॉलिसी उस पब्लिक पॉलिसी ने क्या किया, गवर्नमेंट का कंसर्न शो किया फॉर स्पेशली फॉर द LGBTQ कम्युनिटी. ओके सो ऑल्सो जैसे कि इसमें और भी चीज़ें यहाँ पे ऑन्टरप्रेन्योर्स से रिलेटेड बताया गया, तो गवर्नमेंट अपनी स्कीम्स लाते रहती है फॉर यंग ऑन्टरप्रेन्योर्स कि आप अपना बिजनेस स्टार्ट कीजिए, गवर्नमेंट विल हेल्प यू. सो दिस इज़ अ आई गेस दिस इज अ पब्लिक पॉलिसी प्रोसेस साइकिल दे हैव गिवन. व्हाट दे डू इज सबसे पहले प्रॉब्लम का आइडेंटिफिकेशन होता है, फिर उसकी पॉलिसी फॉर्मुलेशन होती है, फिर पॉलिसी को अडॉप्ट किया जाता है, अडॉप्ट करने के बाद जब पॉलिसी आती है तो उनको इम्प्लीमेंट करते हैं, उसके बाद पॉलिसी को इवेल्युएट किया जाता है. मतलब कि क्या दिक्कत आई कंपनी, मतलब पॉलिसी आपने अडॉप्ट करने में इम्प्लीमेंट करने में अच्छा रहा, उसके क्या आउटकम्स थे वगैरह वगैरह. ओके सो आफ्टर दिस आपका जो आफ्टर दिस कॉम्पोनेंट साइकिल है पब्लिक पॉलिसी का, स्टडी पैराग्राफ छोटा सा दिया हुआ है यहाँ पे. देयर सेइंग कि आपका जो पब्लिक पॉलिसीज इज बता रहे हैं कि पब्लिक पॉलिसीज इज कंटिन्यूस इन नेचर. ऑब्वियसली कंटिन्यूस इन नेचर होता है, एक पॉलिसी चेंज होती ख़त्म होती है तो दूसरी पॉलिसी आती है, या फिर एग्जिस्टिंग पॉलिसी जब तक कोई चेंजेस ना आए चलती रहती है. ठीक है, डिस्टिंक्ट कॉम्पोनेंट्स होते हैं जैसे कि आपका पॉलिसी प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, पॉलिसी फॉर्मुलेशन, अडॉप्शन, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवेल्युएशन. ठीक है, और ये कंटिन्यूस साइकिल में चलते रहता है बिकॉज हमेशा प्रॉब्लम कुछ ना कुछ अराइज होती रहती है और उसका सोल्यूशन गवर्नमेंट निकालती रहती है.
ठीक है. सो नाउ दे आर सेइंग कि इन इंडिया लॉ मेकिंग इज अ डिस्टिंक्ट प्रोसेस इन द इंडियन पार्लियामेंट एंड द सेंट्रल लेवल एंड द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड द काउंसिल. एट द स्टेट लेवल आर लॉ मेकिंग बॉडी. ये लोग जो हैं आपके लॉ मेकिंग बॉडीज हैं. इंडियन पार्लियामेंट में दो हाउसेज हैं, लोकसभा हाउस ऑफ द पीपल एंड राज्यसभा द काउंसिल ऑफ द स्टेट्स. ठीक है. एंड द प्रोसेस ऑफ लॉ मेकिंग इन रिलेशन टू पार्लियामेंट को इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि इट इज द प्रोसेस बाय विच लेजिस्लेटिव प्रपोजल लेजिस्लेटिव प्रपोजल ब्रॉट बिफोर इट एंड देन इट इज ट्रांसलेटेड इन टू लॉ ऑफ लैंड. ठीक है. तो पहले एक प्रपोजल आता है, देन इसको एक लॉ में ट्रांसलेट कर दिया जाता है. एंड इट डिपेंड्स अपॉन द सोसाइटी टू डिसाइड विच इशू शुड बी इनएक्टेड. ठीक है. एंड लॉ जो है इज इफेक्टिव पार्ट ऑफ अ गवर्नमेंट पॉलिसी. इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया वाटर इज कंसिडर्ड फ्री, बट इन रियल लाइफ गवर्नमेंट स्पेंड्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी टू क्लीन वाटर एंड मेक इट फॉर ड्रिंकिंग. ठीक है. तो जगह जगह पे चीज़ों के हिसाब से पॉलिसीज बनती हैं. गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन मेन इंस्टीट्यूशन है न्यू पॉलिसीज टू स्टॉप वेस्टेज ऑफ डिफरेंट ड्रिंकिंग वाटर. ड्रिंकिंग वाटर वेस्टेज ना करने की गवर्नमेंट पॉलिसी बना सकती है. ठीक है. रेन वाटर सिमिलरली रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है आपका इंटीग्रल पार्ट बन गया सेवरल बिल्डिंग्स एंड मेनी सिटीज में. ऑल्सो आपके बोलते हैं कि प्रोसेस ऑफ लॉ मेकिंग इन इंडिया में भी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू थ्री स्टेजेस. जैसे कि प्री लेजिस्लेटिव स्टेज है, फेज है आपका, फिर लेजिस्लेटिव फेज है एंड पोस्ट लेजिस्लेटिव फेज. प्री में क्या होता है, आपका जो नीड होता है लॉ का उसको आइडेंटिफाई किया जाता है, या किसी सर्टेन एग्जिस्टिंग लॉ या लेजिस्लेशन को अगर हम लोग अमेंड करके उसमें चेंजेस ला करके उस चीज़ को हम लोग अगर उस प्रॉब्लम को अगर सॉल्यूशन दे सकते हैं तो वहीं पे सॉल्व कर दिया जाता है. ठीक है. या फिर हमें ज़रूरत पड़ेगी एक नए लॉ को ड्राफ्ट करने की, इनपुट्स एंड कमेंट्स और डिफरेंट मिनिस्टर से वो लोग लेते हैं एंड उसको रिवाइज करते हैं या फिर नया बिल ड्राफ्ट करते हैं. ठीक है. उसके बाद उसको कैबिनेट के लिए अप्रूवल में डाल दिया जाता है. उसके बाद जो आपका प्रपोज लेजिस्लेशन है और उसको पार्लियामेंट में लाया जाता है एंड रिफर टू द स्टैंडिंग कमेटी. तो बेसिकली यहाँ पे आपके प्रोसीजर समझा रहे हैं कैसे लॉ डिफाइन होता है, कैसे लॉ बनता है. कैबिनेट जब बिल को अप्रूव कर देता है तो उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है पार्लियामेंट में, और जब बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है मिनिस्टर जो है आपके कंसर्न डिपार्टमेंट के नोटिस स्टेट कर देते हैं दैट बिल मे बी मूव्ड एंड कंसिडर्ड एंड पास. जब बिल मूव कर जाता है और पास कर दिया जाता है, ठीक है, तो आपके उसके बाद जो आपके जॉइंट हाउसेस होते हैं, जो आपकी कमेटी हाउसेस और जॉइंट कमेटी होते हैं, वो पब्लिक ओपिनियन के लिए इलिसिट होते हैं. ठीक है. उसके बाद जो आपके हाउसेस होते हैं जो वो वोट करते हैं बिल को अमेंडमेंट के लिए, अगर कोई अमेंडमेंट वो चाहते हैं, कोई चेंजेस चाहते हैं उसमें करना. और अगर एक हाउस आपका बिल पास कर देता है तो आपको इट इज सेंड, उसके बाद उसको दूसरे हाउस में सेंड किया जाता है. अगेन व्हेन द बिल्स इज पास बाय बोथ हाउसेज, जब दोनों हाउसेज आपकी बिल पास कर देती हैं तो बिल का जो है कॉपी जो है लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस को स्क्रूटनी के लिए भेज देता है. उसमें स्क्रूटनी में होते हैं कुछ गलतियां, कुछ खामियां अगर बता दे आपकी लॉ डिपार्टमेंट. ठीक है. उसके बाद स्क्रूटनी के बाद उसको प्रेजेंट कर दिया जाता है प्रेसिडेंट के पास फॉर हिज असेंट, फॉर हिज सिग्नेचर या फॉर उनके अप्रूवल के लिए. ठीक है. प्रेसिडेंट क्या है, ही हैज़ द राइट टू सीक इन्फॉर्मेशन एंड क्लैरिफिकेशन अबाउट द बिल. वो कोई भी इन्फॉर्मेशन एंड क्लैरिफिकेशन के लिए उनके पास राइट है, मांग सकते हैं. ठीक है. और इसको पार्लियामेंट को वापस रिटर्न कर सकते हैं फॉर रिकंसिडरेशन आफ्टर जब प्रेसिडेंट आपका बिल को असेंट दे देते हैं, अपना कंसेंट दे देते हैं. ठीक है. तो बिल को नोटिफाई कर देता है कि वो एक्ट बन जाता है. तो बेसिकली ये होता है कि बिल जब आपका पास हो जाता है सारे प्रोसेस तो वो एक एक्ट बन जाता है. ठीक है. उसके बाद ये कम्युनिकेशन हमारे डिफरेंट डिफरेंट तरीके से फीडबैक, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आपके ये जो प्रोविजंस हैं और ये जो एक्ट्स हैं कम्युनिकेट कर दिए जाते हैं टू पब्लिक, टू जनरल पब्लिक. ठीक है. और पॉलिसीज एंड सब पॉलिसीज डिफाइन होते हैं. सो अभी के लिए हम यहाँ पे इसको रैप करेंगे बिकॉज ऑलरेडी आई गेस 40 मिनट का वीडियो बन चुका है ये. एंड हमने लगभग आधा चैप्टर कवर कर दिया है. आई गेस इस पे 14 पेजेस थे या 12 पेजेस थे चैप्टर में. तो हाँ, तो यहाँ पे हमने मोस्ट आधा चैप्टर लगभग कंप्लीट कर दिया है. नेक्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो में ये चैप्टर ऑब्वियसली हम कोशिश करेंगे कंप्लीट करने का. आई गेस कंप्लीट हो ही जाएगा. मोर ओवर बस आई जस्ट से कि आप सभी स्टूडेंट्स एग्जाम्स की तैयारी करें. एग्जाम्स आर क्लोजर नाउ. ठीक है. ज़्यादा टाइम नहीं बचा है और पढ़ते रहें. इन केस ऑफ एनी इशू कमेंट्स में पूछिए. आप
व्हाट्सएप पर पूछिए, कैलाशा फाउंडेशन की वेबसाइट पे पूछिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ठीक है। थैंक यू टू एवरीवन एंड आई गेस सबको वीडियो पसंद आएगा, सो थम्स अप जरूर दे दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू एंड अगेन थैंक यू फ्रॉम कैलाशा फाउंडेशन ऑल्सो, thank you for watching us and also we'll be celebrating our anniversary this 18th of september ko hum log apni second anniversary celebrate kar rahe hain, so we are bringing a lot of things for you guys, for the people for the students, the teachers, theek hai, bahut sari cheeze hone wali hain, I believe ki aap log bhi uska part zarur banenge, so stay tuned on our facebook page as well as twitter page, देखते रहिए, बहुत सारी नई नई चीज़ें आएंगी, बहुत सारे नए नए कोर्सेज आएंगे और आपके लिए भी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, और ऑल्सो वी आर प्लानिंग टू मेक सम क्विज एंड ऑल, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा टू शो योर पोटेंशियल, सो स्टे ट्यून्ड, ओके, थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे एवरीवन, कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग।